जीवन बहुत मूल्यवान है, परमात्मा का प्रसाद है। और सब वस्तुएं तो मिल जाती हैं, लेकिन जीवन मांगने से मिलता नहीं। इसलिए परमात्मा से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जीवन निरर्थक न जाए, मैं कुछ ऐसा अच्छा कर लूं जिससे मेरे मन में ये संतोष रहे कि मैंने जीवन ठीक से जिया है। और तभी तो हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, गा गा कर और जीवन की सार्थकता के लिए उस विराट विभु से प्रार्थना की गई है। बना दो दारिद्र्य हर लो दानी
बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो कैसी गया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए। परमात्मा तूने बड़ी दया की, मुझे सब कुछ दे दिया। मैं जब देखता हूँ तो मेरा जीवन कभी कभी निराश्रित मालूम पड़ता है। हे अशरण शरण परमात्मा, हे दयामय, आप ही तो जीवन के सच्चे आधार हो। दुख के समय ये स्वार्थी संसार कहाँ साथ देता है। कठिनाई के समय में लोग उपहास करते हैं, संपत्ति के ही तो सब साथी हैं। विपत्ति में तो परमात्मा तुम ही केवल एक हमारे सहारे हो। इसलिए हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकारना। मेरे जीवन में चाहे जितने लोग आएं, लेकिन मैं केवल आपको ही अपना आश्रय, अपना सहारा मान सकूं, ऐसी शक्ति देना। करतार हो, हम सब के पालनहार हो। आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, धन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिनु कृपा के शांत सुख का सार पा सकते नहीं। बिनु कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए बने हम सदगुणी संसार में, दीजिए वह मति बने हम सदगुणी संसार में। मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार में। मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार में। हे
सर्वोपकार तुमने सर्वदा हम पर गे सर्वोपकार तुमने सर्वदा हम पर गे उपहार प्रति उपकार में क्या दूं तुम्हें इस गे उपहार प्रति उपकार में तरिणी है हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी सततरिणी है हम तुम्हारे तुम हमारे हो कभी डगमगाने लगे तो कितना कष्ट होता है, कितनी चिंता होती है, जीवन कितना प्यारा है। उत्ताल तरंगे हैं, डगमगाती हुई नाव है, प्राणों का संकट है, अब क्या करें। अब तो केवल एक ही आधार है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। यदि भगवान से प्रार्थना ना करेंगे तो कौन नैया को पार लगाएगा। नैया का खिवैया तो भगवान ही सदा से रहा है, आगे भी रहेगा। बस वो विश्वास रहना चाहिए कि अब मेरी नाव को पार लगाएगा। और जो पार लगाने वाला है वो बड़ा सामर्थ्यवान है, दुर्बल नहीं है, शक्ति संपन्न है। उसी से प्रार्थना करें, नैया अपनी अपनी पार लगाएं, खिवैया पास में है, भवसागर चाहे जितना विशाल हो लेकिन उस विशाल से भी अति विशाल अपने निकट है, इसलिए उसी से नैया अपनी पार कराने की प्रार्थना करेंगे। Thank you.
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। बल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तो देखते न रहना झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में तुमको भूल जाऊं। झंझटों में तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी तुम इष्ट मैं उपासक। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है। सूरा मीरा और कबीरा गीत गाकर ही तो अमर हो गए हैं। अमर होने की आकांक्षा व्यक्ति की अनादिकाल से है, इसलिए फिर से एक बार अपने गान को अमर कर दो ऐसा कहकर कवि अपने हृदय की व्यथा को भावना को प्रकट करता है। परमात्मा में ही वो शक्ति है कि वो किसी को अमरता प्रदान कर सकते हैं। मरणशील नश्वर संसार को अमरता कैसे प्रदान कर सकता है, इसीलिए तो गाया है कि मेरा गान अमर कर दो। मैं अर्घ चढ़ाता गीतों के भगवान कहीं मिल जाए। मैं अर्घ चढ़ाता
गीतों के भगवान कहीं मिल जाए। मैं गाता हूँ इसलिए कि मेरा गान मन हो जाए, मेरा गान मन हो जाए, मेरा गान मन हो जाए। हिलता तार कल्पना कुसुम की जब है खिलता, आकर के चुप न जाने कौन भाव है भरता। मैं उसे रिझाता गीतों से, मैं उसे रिझाता गीतों से, पहचान कहीं मिल जाए। मैं गाता हूँ इसलिए कि मेरा गान मन हो जाए, मेरा गान मन हो जाए। दर्द मिटा दे जो मुखरित हो ऐसी वाणी, गहरे भावों को भर दे हो कर्म वही कल्याणी। मैं फूल चढ़ाता गीतों के, मैं फूल चढ़ाता गीतों के, वरदान कहीं मिल जाए। मैं गाता हूँ इसलिए कि मेरा गान अमर हो जाए, मेरा गान अमर हो जाए। मैंने बस अपने तुम्हें सहारा बनाया, सुख दुख के बिंबों पर मैंने जीवन दीप जलाया। स्वप्न समर्पित करता हूँ, स्वप्न समर्पित करता हूँ, मुस्कान कहीं मिल जाए। मैं गाता हूँ इसलिए कि मेरा गान अमर हो जाए, मेरा गान अमर हो जाए, मेरा गान अमर हो जाए, मेरा गान अमर हो जाए। प्रार्थना परमात्मा की ओर ले जाने का साधन है, और उस प्रार्थना को जो सारे संसार में प्रचारित करने का प्रयत्न करता है वो भी परमात्मा की पूजा ही कर रहा है। इस दृष्टि से इन सारी प्रार्थनाओं को जगत के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा सुंदर प्रयास किया गया है। बड़े ही सात्विक लोग हैं जो प्रभु की ओर ले जाने का प्रयत्न करा रहे हैं। मैं संगीत निर्देशक गोविंद कल्ला, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्रशेखर कल्ला, उनके लघु भ्राता श्री गिरधर कल्ला को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रार्थना की ओर ले चले जो, वो वास्तव में धन्य है। प्रार्थना में रम जाए जो, वो धन्य है। और प्रार्थना जो गाए वो भी धन्य।